डहरवाल डहरवाल किचन्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। Hey guys, कैसे हैं आप सब? डहरवाल्स किचन आपके लिए लेकर आया है वैलेंटाइंस डे स्पेशल रेड हार्ट शेप्ड जेली केक। वैलेंटाइंस डे बहुत पास है तो चलिए आज हम बनाते हैं अपने डियर वंस के लिए ब्यूटीफुल सा होममेड रेड हार्ट शेप्ड जेली केक। वैसे तो केक बाजार में अवेलेबल है बट इस कोरोना टाइम में होममेड केक बनाकर हम अपनी फैमिली को सेफ रख सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं हार्ट शेप्ड रेड जेली केक जो कि इजिली घर पर बहुत ही जल्दी बन जाता है। इसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम मैदा, हाफ टेबल स्पून खाने का सोडा, हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। हम इसे छन्नी से छान लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें मिक्स करते हैं 250 ग्राम चीनी और 250 ग्राम दूध और अब हम इसमें मिक्स करेंगे वेनिला एसेंस 5 से 6 बूंद और इसे हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं। तो हम इसमें मिलाते हैं 125 ml ऑयल। थोड़ा थोड़ा करके हमें मैदे का मिक्स मिलाते जाना है जो हमने तैयार किया था और इसे एक ही डायरेक्शन में हमें धीरे धीरे मिक्स करना है जिससे कि लम्स ना बने और स्मूथ शाइनी बैटर तैयार हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा नींबू का रस और इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा प्यारा शाइनी स्मूथ मिक्स बनकर तैयार है। तो हमने हार्ट शेप्ड केक टिन लिया है, इसमें हम ऑयल अप्लाई करेंगे और मैदे को थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे, बैटर डालेंगे और इसे हल्का हल्का टैप करेंगे ताकि ये बैटर एक लेवल पर हो जाए। केक टिन में कॉर्नर्स में पेपर लगाने से कॉर्नर्स केक के जलते नहीं है। अब हमने एक बड़ी मोटे परत की एक कढ़ाई ली है, उस पर हमने रखा है एक फ्रेम और अब हम इसमें रखते हैं केक टिन को और अब हम इस एक बड़ी थाली से ढक देना है। इस तरह से हमें ढकना है ताकि कढ़ाई पूरी तरह से कवर हो जाए। 30 से 40 मिनट पकने के बाद हम केक को चेक करेंगे। हमें चाकू से इसे चेक करना है, अगर अंदर का केक गीला रहेगा तो वो चाकू पर चिपकने लगेगा। हार्ट शेप्ड केक रेडी है। अब हम केक को टिन में से निकाल लेते हैं और पेपर को रिमूव कर देते हैं। हमारा केक आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा स्पंजी बना है। अब हम केक को बीच में से कट करने के लिए चाकू से पहले कट लगा देते हैं। एक निशान हम चारों तरफ केक में बना लेते हैं और इस निशान पर रखते हैं एक धागा और इस निशान पर हम बराबर धागे को प्लेस करके केक को दो भाग में बीच में से काट लेते हैं। इस तरह से जब हम केक को कट करते हैं तो हमारा केक एक लेवल पर कट होता है। एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों, हमें केक को ऊपर से पकड़कर थोड़ा सा स्टेबल करना है साइड से, जिससे कि धागे को एक साइड से आसानी से खींचा जा सके। हम बनाते हैं शुगर सिरप। इसके लिए हमने एक कप पानी में 2 चम्मच शक्कर डालकर इसे मिक्स किया है और अब हमारी शुगर सिरप तैयार है। अब हम बनाते हैं केक की क्रीम। इसके लिए हमें चाहिए 250 ml अमूल की फ्रेश क्रीम। अब हमने बीटर की सहायता से क्रीम निकाल ली है। जब क्रीम निकलना स्टार्ट हो गई है तब हम इसमें मिक्स करते हैं कलर। हमने यहाँ पर रेड कलर मिक्स किया है और आप देख सकते हैं इतना प्यारा कलर हमारी क्रीम का आ चुका है। हमारी रेड क्रीम बनकर तैयार है। अब हम लेते हैं एक राउंड टेबल और उस पे हमने स्टील की एक प्लेन प्लेट को उल्टा करके रख दिया है और हम केक के एक पार्ट को अब रखते हैं और स्प्रेड करते हैं इसमें अच्छे से शुगर। केक की क्रीम को स्पैचुला की सहायता से अच्छे से स्प्रेड करते हैं। अब हम इस पर केक का दूसरा पार्ट रखते हैं और क्रीम को अच्छे से स्प्रेड करते हैं और हमें बाकी के कॉर्नर्स पर भी क्रीम अप्लाई कर देनी है और अब हमें इसे स्क्रैपर की सहायता से प्लेन कर लेना है और अब हम इसे रख देते हैं 20 मिनट के लिए फ्रिज में और तब तक बनाते हैं इसकी रेड जेली जो कि अब हम क्रीम के ऊपर स्प्रेड करेंगे। इसके लिए हम लेते हैं 1 कप पानी, उसमें हमें मिलाना है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच शक्कर।
इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं लेना है, नॉर्मल पानी लेकर हमें इसमें कॉर्नफ्लोर को मिक्स करना है। अगर आपका पानी गर्म होगा और आप इसमें कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे तो इसके लम्स बन जाएंगे और जिससे कि कॉर्नफ्लोर पानी में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। अब हम एक पैन लेते हैं और इसमें हम इस मिक्स को लेते हैं और मीडियम फ्लेम पर इस मिक्स को थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाते हैं। और अब जब कॉर्नफ्लोर का मिक्स गाढ़ा होने लगा है तो अब हम इसमें मिलाते हैं 2 से 3 ड्रॉप लिक्विड रेड कलर और इसे लगातार चम्मच की सहायता से हमें घुलते रहना। हमारी होममेड रेड जेली बनकर तैयार है। इसे हम छन्नी से छान लेते हैं ताकि हमें एक स्मूथ जेली मिल सके। अब हम केक को फ्रिज से निकाल लेते हैं और इस पर स्प्रेड करते हैं स्पैचुला की सहायता से रेड जेली। हमें इस रेड जेली को स्पैचुला की सहायता से पूरे केक पर लगा देना है, अच्छे से स्प्रेड कर लेना है और आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा रेड जेली केक बनकर तैयार। खाने में बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। आप चाहें तो इसे चॉकलेट से डेकोरेट कर सकते हैं। तो गाइस, इस वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करिए हार्ट शेप रेड जेली केक के साथ, जो आप घर पर बहुत अच्छे से बहुत जल्दी बना सकते हैं, जो कि दिखने और खाने दोनों में बहुत अच्छा है। और भी कुछ केक्स की रेसिपीज हमारे चैनल पर है, कप केक्स, एक फनी केक, हाहा मिनी केक जो कि बच्चों के लिए आप इजीली बना सकते हैं, और भी बहुत सारे स्वीट डिशेस, हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी हमारे चैनल पर है। तो आप हमारे चैनल को जल्दी से कीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब और बने रहिए ऐसे ही अपने और सिर्फ अपने दहलवाज किचन के साथ।